मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और अब है हम वे टू राजगीर, यानी कि राजगीर हम आपको लेकर चल रहे हैं पटना से 120 किलोमीटर दूर, क्योंकि आपको पता है कि इस बार मलमास मेला लगा है, मलमास मेला का आयोजन हुआ है और मलमास मेला का एक अपना महत्व होता है। इस बार मलमास मेला को लेकर काफ़ी ज़्यादा धूम लोगों के बीच देखने को मिल रहा है और आपको हम लेकर आ गए हैं वे टू राजगीर, यानी कि हम आपको राजगीर का दर्शन कराएंगे, आपको देखा वो हाल बताएंगे जो इस बार आपको मलमास मेला का दर्शन कराएगा, रूबरू कराएगा। लेकिन आप उससे पहले देखिए इस बोर्ड के माध्यम से कि आप इस पर लिखा हुआ देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि राजगीर में आपका स्वागत है। तो हम आपको अपने साथ ले चल रहे हैं राजगीर और दिखाएंगे वहाँ का आंखों देखा वो हाल कि इस बार राजगीर में मलमास मेला का किस तरीके से आयोजन किया गया है। 18 जुलाई से अधिमास या मलमास की शुरुआत हो चुकी है और 16 अगस्त को इसका समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास की अवधि में बिहार के राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। राजगीर में भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा भी की जाती है। यहाँ पर ब्रह्मा कुंड और सप्त धाराओं में स्नान का विशेष महत्व होता है। मलमास में कोई भी मांगलिक काम या शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान और जप तप करने से बहुत फल मिलता है। मलमास के दौरान जिसका निधन हो जाता है उसका पिंडदान केवल राजगीर में ही हो सकता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म वैतरणी नदी पर किए जाते हैं। हिंदू धर्म में वैतरणी नदी का विशेष महत्व होता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में खासकर राजगीर के पुरुषोत्तम मास मेले में भवसागर पार लगाने वाली नदी वैतरणी का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। राजगीर की परंपरा के अनुसार पुरुषोत्तम मास मेले के दौरान गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने पर मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो जाता है। वही जाने अनजाने में हुए पाप से भी मुक्ति के साथ सहस्त्र योनियों में शामिल नीच योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक वैतरणी नदी का इतिहास काफी गौरवमयी और समृद्धशाली रहा है। मलमास मेले के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों में श्रद्धालु यहाँ पर गर्म कुंड का स्नान करने और देखने और वैतरणी नदी में भी स्नान करने आते हैं। पुरोहित यहाँ एक महीने तक गाय के बछड़े को लेकर रहते हैं। राजगीर का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही महत्व है। राजगीर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी, साथ ही मौर्य साम्राज्य का उदय भी यहीं से हुआ था। राजगीर में वैतरणी नदी के अलावा 22 कुंड और 52 धाराएं भी है। देखिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि राजगीर में जब से मलमास मेला का आयोजन होता है उसके बाद पूरे एक महीने तक राजगीर के आकाश में काले कौवे दिखाई नहीं देते। बताया तो यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड में जो यज्ञ का आयोजन किए थे तो उसमें सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन काले काग को निमंत्रण देना भूल गए थे। यही कारण है कि काले कौओं को मलमास मेले के दौरान पूरे एक महीने राजगीर के आकाश में देखने को नहीं मिल पाते। मलमास मेला के दौरान राजगीर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि राजगीर का ये मेला कितना खूबसूरती से सजाया गया है। मनोरंजन के लिए सर्कस के साथ थिएटर की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। इस दौरान रात भर थिएटर और सर्कस में लोग मनोरंजन करते भी नजर आते हैं। कहा जाए तो मलमास मेले में पूजा पाठ के साथ एक महीना मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले भी लगाए जाते हैं। मलमास मेले में आने वाले श्रद्धालु राजगीर के इस महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल का भी लुफ्त उठाते हैं और आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी खूबसूरती के साथ मेले को सजाया गया है। तरह तरह के खिलौने हैं, साज सज्जा के समान है, श्रृंगार के समान है, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध होता है। यहाँ पर महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, बच्चे आते हैं, अलग राज्यों से आते हैं, जिलों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं और यहाँ पर आकर इस मेले का लुफ्त उठाते हैं। कहा जाता है कि राजगीर का ये मेला जो है काफी ज्यादा महत्व रखता है और सनातन धर्म में ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर तरह तरह के विभिन्न तरह की जो चीजें हैं आसानी से मिल जाती है और आप देख पा रहे होंगे मेले में कितने खूबसूरत से झूलों को भी सजाया गया है और यहाँ पर बच्चे भी लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं।